नशा तस्कर दिन ब दिन सक्रिय होते जा रहे हैं। वहीं नशा तस्करों पर शिकंजा करते हुए पुलिस भी काफी मुस्तैद नजर आ रही है। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए अम्बाला पुलिस ने दो युवकों सहित एक महिला तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। CIA 1 टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी करते हुए इन तस्करों को काबू किया है, जो वरना गाड़ी में दिल्ली से लाखों की हीरोइन लेकर आ रहे थे। CIA 1 ने इन तस्करों से 300 ग्राम हीरोइन बरामद की है। वहीं अब पकड़े गए तस्करों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल शाम को 5 बजे के आसपास मेरे को गुप्त सूचना मिली थी कि राहुल और इसके साथ एक दूसरा लड़का है रोहित, और इनके साथ एक महिला थी कि ये एक वरना गाड़ी में ब्लैक रंग की है, काफ़ी कमर्शियल मात्रा में हेरोइन की सप्लाई देने आ रहे हैं अम्बाला में। तो जो हमने नाकाबंदी के सूचना गुप्त सूचना के आधार पर इनको गिरफ्तार कर लिया, जिनसे 300 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, और तीनों को ही गिरफ्तार कर लिया है, जिनको आज कोर्ट में पेश किया जाकर आगे रिमांड लिया जाएगा ताकि हम मेन सप्लायर जो हेरोइन का है उसको पकड़ सकें। सर कहाँ से लेकर आ रहे थे और कहाँ इन्होंने ये अभी तो दिल्ली से बता रहे हैं कि दिल्ली से लेके आ रहे हैं, अभी तो रिमांड के दौरान तो अभी खुलासा होगा कि आगे कहाँ से लेके आए ये। सर ये युवक और महिला कहाँ के रहने वाले हैं? ये युवक दोनों डया कॉलोनी बड़ा सिटी के हैं, और जो इनके साथ महिला है वो जीरकपुर की है। अम्बाला पुलिस की CIA 1 टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 300 ग्राम हीरोइन के साथ दो युवकों और एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। फिलहाल अब पुलिस ये पता लगाने में जुट गई है कि आखिर ये तस्कर कहां से सप्लाई लेकर आए थे और कहां कहां सप्लाई करने वाले थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।